एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और इस दिवाली के फेस्टिवल को आप लोगों ने बहुत इन्जॉय किया होगा। तो आज दिवाली का नेक्स्ट डे है, आज गोवर्धन है। आज के दिन भगवान कृष्ण जी की पूजा की जाती है और गोवर्धन की पूजा की जाती है। काफ़ी जगहों पे लॉर्ड विश्वकर्मा डे के नाम से ये दिन मनाया जाता है और जो लेबर क्लास लोग होते हैं लाइक प्लम्बर कारपेंटर अपने टूल्स की पूजा करते हैं आज के दिन। और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आज हमारा न्यू ईयर है। हिंदू कैलेंडर तिथि के अकॉर्डिंग होता है, तो तिथि के हिसाब से आज हमारा न्यू ईयर होता है। वैसे तो अब हम भी वेस्टर्नाइज हो गए हैं और न्यू ईयर जनवरी में ही मनाते हैं लाइक 1 जनवरी को, बट हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा न्यू ईयर है आज। तो इन सभी अच्छे अच्छे फेस्टिवल्स की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बस भगवान से यही कामना रहेगी, हम जहाँ रहें खुश रहें, गम का कोई साया ना हो और हमारे बच्चे हेल्दी रहें, हंसते खेलते रहें हमेशा। तो हमारे घर पे गोवर्धन मनाया जाता है आज के दिन और अन्नकूट बनता है, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है कृष्ण जी को। अन्नकूट में कढ़ी चावल और मिक्स वेज बनाई जाती है। वैसे तो आप कुछ भी बनाओ बट कढ़ी चावल मेन होता है। और मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी गोवर्धन वाले दिन फ्रेश गोबर लेकर आती थी मॉर्निंग में और आंगन में घर के बरांडा में बड़े से गोवर्धन बाबा बनाए जाते थे और उनकी फिर पूजा होती थी। हमारे ससुराल में भी इसी तरीके से गोवर्धन मनाया जाता है। वैसे मैंने ससुराल की कोई दिवाली देखी नहीं है बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि फर्स्ट दिवाली पे मदर इन लॉ मेरी हमारे साथ थी, गोविंद बॉर्न हुआ था तो उन्होंने सारे ट्रेडिशंस अपने घर के मुझे बताए थे। तो मैं जो भी ट्रेडिशंस फॉलो करती हूँ या आपको वीडियोज़ में दिखाती हूँ सारे ट्रेडिशंस वहीं के होते हैं। तो मैं भी आज गोवर्धन बनाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी अन्नकूट का। सबसे पहले मैं अभी अपने लड्डू गोपाल को तैयार करूंगी, उनका श्रृंगार करूंगी, नई ड्रेस पहनाऊंगी आज उन्हें और फिर जाके अन्नकूट बनाऊंगी। तो मुझे बताइएगा कि आप लोग क्या करते हैं दिवाली के नेक्स्ट डे, आप लोग मनाते हैं गोवर्धन या फिर क्या मनाते हैं, किस तरीके से मनाते हैं ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इंडिया में ना इतने सारे कल्चर्स हैं और मतलब जो हिंदू लोग भी हैं उनकी भी इतनी सारी वैरायटी है कि हर फेस्टिवल को, हर दिन को हर इंसान अलग तरीके से अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग सेलिब्रेट करता है। तो आई वुड लव टू नो कि आप लोगों के यहाँ क्या ट्रेडिशंस फॉलो होते हैं। मेरे ट्रेडिशंस तो आप लोग वीडियोस के थ्रू देखते हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं अपने लड्डू गोपाल को ये वाली ड्रेस पहनाने वाली हूँ, मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद है और उसके साथ ये वाली मुकुट पहनाने वाली हूँ। कल लॉन्ड्री की थी और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि कपड़े मैं फोल्ड करके रखूं। एक्चुअली अब ना मेरे मंडेज एंड फ्राइडेज बहुत एक्टिव होने लगे हैं क्योंकि गोविंद ने न्यू प्री स्कूल स्टार्ट किया है जैसा कि आपने स्टार्टिंग क्लिप में देखा। और अभी वो कंफर्टेबल नहीं है स्कूल में, एडजस्ट कर रहा है। तो उसकी टीचर ने बोला है कि स्कूल में अभी उसकी क्लास में मुझे उसके साथ रहना है, तो वहाँ पे भी मेरा पूरा 1.5 घंटा उसके साथ जाता है, फिर उसको लेकर आओ सुलाओ। तो मंडेज एंड फ्राइडेज मॉर्निंग टू आफ्टरनून पूरा कंप्लीट स्लॉट गोविंद के लिए बुक हो गया है। तो घर के काम बहुत सारे पेंडिंग हो जाते हैं। तो अभी बहुत सारे मेरे कपड़े हैं जो कल लॉन्ड्री हुए थे। एक्चुअली मैं संडे को लॉन्ड्री करती हूँ तो बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं 1 वीक के, वो सब अभी मुझे फोल्ड करने हैं जो कि सबसे ज़्यादा बोरिंग काम है। क्या करें, इट इज़ मदर्स लाइफ, इट इज़ वाइफ्स लाइफ, तो अब ये सब काम तो करने ही है। मैंने अपनी क्लॉसेट ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ही एक क्लॉसेट ऑर्गेनाइजर लिया है वॉलमार्ट से। ये देखिए, ये बहुत ही इजी होता है इंस्टॉल करना, बस इसे इस तरीके से हैंग कर सकते हो। लंबा सा है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि इसे मैं लगा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कोट्स एंड जीन्स और वॉर्म क्लोथ से ना पूरी क्लॉसेट भर जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े होते हैं ना ये, तो ये पूरी क्लॉसेट मेरी भरी हुई है। बट मैं टाइम निकाल के इसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करूँगी सबके कपड़े अच्छे से और फिर कोशिश करूँगी कि इस पूरे ऑर्गेनाइज़र में गोविंद के सारे अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज हो जाएं। और इसमें ना साइड पॉकेट्स भी हैं, तो ग्लव्स और
जो छोटे छोटे उसके सॉक्स होते हैं ना, यहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। तो अभी बस मैंने कपड़े फोल्ड किए हैं लॉन्ड्री वाले, अभी कल के जो कपड़े हमने पहने थे एथनिक वेयर वो सब यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सब भी अभी मुझे करना है। गोविंद का कमरा बहुत मेसी है, टाइम लगेगा अभी मुझे क्लीनिंग करने में इस कमरे की। और गोविंद के उठते ही मेरी मम्मा ड्यूटी फिर से स्टार्ट हो गई है। अभी मैं उसको दूध पिला रही हूँ। जब वो इंडिया में था ना तो उसे मम्मी ने आदत डाल दी थी कि थोड़ा थोड़ा दूध अपने आप वो ग्लास में लेके पीता था, बट यहाँ आके उसकी फिर से आदत बिगड़ गई है। और अगर मैं अब मम्मी को बताती हूँ कि वो दूध अपने आप से नहीं पीता है तो मम्मी कहती हैं कि तुम पता नहीं कैसे पालती हो बच्चों को, तुम्हें रखना नहीं आता है। तो नानी दादी को हमेशा ऐसा लगता है कि मम्मियाँ बच्चों को ठीक से नहीं रख पाती हैं, वही अच्छा काम करती हैं। बट क्या करें, हम मम्मियों को इतना सारा काम होता है और दादी और नानी को तो सिर्फ बच्चों का लाड़ करना होता है, तो हम लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है। वो देखो ट्रायंगल नहीं, क्योंकि ट्रायंगल से क्या होगा। अभी अंशुल गोविंद के साथ प्ले कर रहे हैं और मैं आई हूँ किचन में डिनर बनाने के लिए। मैंने कद्दू ऑलरेडी कट कर लिया है और चावल सोख करके रख दिया था जिससे कि फटाफट से कुकिंग हो जाए। कढ़ी बनानी है, कढ़ी बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कुकिंग टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता है कढ़ी का, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी पेठेगी की सब्ज़ी तैयार कर ली है। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ दिवाली थाली वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और आज मेरा पेठा काफ़ी कच्चा कच्चा सा अच्छा था तो मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा इसे चॉप किया है। और कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पकौड़ी बनाऊंगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टीस्पून ही बस बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी। आज पूजा का खाना बन रहा है इसलिए इसमें प्याज नहीं ऐड कर रही, अदरवाइज़ मैं पकौड़ियों में प्याज भी ऐड करके बनाती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छे बनते हैं। और देखिए इस टाइप का बैटर मैंने बना लिया है, और बैटर बनाने के बाद थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा मैं ऐड करूँगी जिससे कि पूरी पकौड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट एंड फ्लफ़ी बनेंगी। मेरा बेकिंग सोडा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, आप थोड़ा सा कम ऐड करिएगा इतने से बैटर के लिए। और ये मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाने वाली हूँ अपम पैन में। थोड़े से ही ऑयल में सारी पकौड़ियाँ बहुत ही अच्छे से बन के आ जाएंगी और एकदम एक शेप की बनेंगी, तो ये कढ़ी में डालते हुए भी बहुत ही सुंदर लगेंगी। तो जब तक हमारी पकौड़ियाँ बन रही हैं हम कढ़ी की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक कटोरी दही लिया है और इसमें 3-4 टीस्पून बेसन मैं ऐड करूँगी, खाली 3 ही टीस्पून मैंने लिया है। और अब इसके अंदर मैं 3 ग्लास पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करके। बाकी हम इसमें ऊपर से तड़का लगाएंगे तो कोई भी और मसाला मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। और देखिए इस टाइप का मैंने इसका बैटर बना लिया है, तो 3 ग्लास पानी मैंने अभी ऐड किया है और 1 ग्लास पानी मैं बाद में ऐड करूँगी। पैन में मैंने थोड़ा सा घी में मेथी दाना थोड़ा सा मैंने इसे तड़का लिया है और अब मैं इसके अंदर ये बैटर डाल दूंगी। ध्यान रहे कि आप कढ़ी को फर्स्ट बॉईल आने तक कंटिन्यूसली चलाते रहें, अदरवाइज़ जो दही है इसमें कडल कर सकता है, फट सकता है, इसीलिए इसे चलाते चलाते मीडियम फ्लेम पर कुक करें। बेसन होता है इसमें तो बेसन थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है पकने में, बट पकने के बाद बहुत अच्छी कढ़ी बनती है।
और साथ ही साथ एक पैन में चावल चढ़ा दूंगी बॉयल होने के लिए, जिससे कि सारी कुकिंग एक साथ खत्म हो जाए मेरी। और यहाँ पे मेरा पेठे की सब्जी बन चुकी है, तो इसमें मैं धनिया ऐड कर दूंगी। इसकी रेसिपी आप जरूर देखिएगा थाली वीडियो में, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है ये। कड़ी में तड़का लगाने के लिए तड़का पैन में मैंने घी लिया, उसके अंदर हींग, जीरा और खड़ी लाल मिर्च डाली है, और थोड़ा सा तीखापन देने के लिए इसमें मैं कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी ऐड करूंगी, अराउंड हाफ टी स्पून। और बस तड़का जब थोड़ा सा आपका पक जाएगा, आप इसे डायरेक्ट कढ़ी में मिला दें। और अगर आपने नोटिस किया होगा तो ये मेरा नया तड़का पैन है जो मैंने धनतेरस पे लिया था, बहुत ही अच्छा है। इसकी जो शेप है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत स्टेबल रहता है गैस पर। और ये मैंने कढ़ी में मिला दिया है, और इससे कलर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। कढ़ी मेरी प्रॉपरली पक चुकी है, तो इसमें मैंने नमक भी डाल दिया था, उसकी क्लिप मैं लेना भूल गई। और ऊपर से इसमें मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड करी है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आया। ये एक्सपेरिमेंट था, मैंने एक दिन किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और साथ ही साथ मैंने पकौड़ियाँ भी डाल दी हैं, क्योंकि अब खाने का ही टाइम है और जब तक हम खाएँगे तो पकौड़ी भी कढ़ी में अच्छे से सोक हो जाएगी। तो अभी मैं करने लगी हूँ पूजा की तैयारी। हमने दीपक जला लिया है और बहुत ही सिंपल पूजा करते हैं। वैसे जैसे ट्रेडिशनल पूजा होती है गोवर्धन बाबा बनाकर, वो सब तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो मेरी मम्मी हर साल फ़ोटो भेज देती हैं गोवर्धन की, एंड फ़ोटो से हम दर्शन कर लेते हैं और घर में इसी तरीके से सिंपल हम पूजा करते हैं। बताइएगा ज़रूर कि मेरे लड्डू गोपाल आपको इस न्यू ड्रेस में कैसे लगे। दिए मैं अभी बाहर रख दूंगी घर के, क्योंकि अंदर तो कारपेटेड फ्लोर है तो डर लगता है दियों का गोविंद के साथ, तो बस बाहर रख दूंगी। और आज तो ठंड भी बहुत है और हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है, तो पता नहीं दिए कितने ज़्यादा चलेंगे। और लग तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रहे थे, और हाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे हमारा जो भोग है वो भी एकदम तैयार है, अभी हमने भोग लगाया है, बस भोग लग जाएगा उसके बाद हम भी डिनर कर लेंगे। और डिनर के बाद अभी हस्बैंड जो है सारे बर्तन लोड कर रहे हैं डिश वॉशर में। अब ठंड ज़्यादा बढ़ गई है तो फिर मन नहीं करता है हाथ से बर्तन क्लीन करने का, तो मैं अब मॉर्निंग से इवनिंग तक के सारे बर्तन इकट्ठे कर लेती हूँ डिश वॉशर के लिए। किचन मेरी एकदम क्लीन हो गई है, काम ख़त्म, और अब लाइट बंद होगी, अब इंजॉय करेंगे थोड़ा सा फैमिली टाइम, बैठेंगे थोड़ी कुछ मूवी वगैरह देखेंगे या कुछ करेंगे। अभी तो 9:45 बजे, हम लोग 9:30 तक सो जाते हैं क्योंकि फिर से सुबह जल्दी उठना होता है। एंड आई विल बी गेटिंग बैक टू माय हेल्दी स्केड्यूल, फिर से अब जिम जाना स्टार्ट करूँगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है इंडिया से। तो बस अभी फटाफट से ड्रेस वगैरह चेंज करेंगे, नाइट टाइम रूटीन करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा फैमिली टाइम एंजॉय करके सो जाएंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यही ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ आपने आज का ब्लॉग पसंद किया है, आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड बिकमिंग द पार्ट ऑफ दिस फैमिली। फिर से मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। क्लीन अप टाइम, चलो अपने टॉयज क्लीन अप करो जल्दी जल्दी। डूइंग ओके, से बाय टू एवरीवन। इधर मुंह करके बोलो, बाय। इधर कैमरा में देख के बोलो से बाय।